YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुश और मज़े में होंगे और गर्मियों का ये मौसम खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिफरेंट सी वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं गांव की तरह ताज़ा और सब्ज़ शादाब माहौल में देसी स्टाइल से बैंगन का भरता बना रही हूं। तो चल के देखते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने फ्रेश बैंगन तोड़ लिए हैं। ताज़ा सब्ज़ी को ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से धोने के बाद हमने जलानी है अब आग। तो आग हमने जला ली है और आग जलाने के बाद हमने एक जाली इसके ऊपर अच्छे से बिछा देनी है और जाली के ऊपर बैंगन हम रखते जाएंगे। अब मैंने बैंगन रखना शुरू कर दिए हैं और ज़रा एहतियात से आपने बैंगन को इस तरह से रखना है जाली के ऊपर ताकि आग से आपका हाथ ना जले। जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आप एक एक करके इस पे बैंगन रखते जाएं। साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसके साथ साथ टमाटर इस पे चले जाएंगे। एक दो तीन जितने टमाटर आप जिस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं वो इसके साथ आ जाएंगे। साथ ही मैं इसके साथ रख दूंगी लहसुन का एक पूरा गड्ढा, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको आग पे हमने अच्छे से सेकना है, इसका भरता तैयार कर लेना है। अब हमने अपनी सब्ज़ी को आग के ऊपर सिकने के लिए 10 मिनट के लिए रखना है और इसकी साइडें हमने पलटते रहना है ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा ना सिक जाए, ज़्यादा ना जल जाए। अब हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सिक चुके हैं और टमाटर का छिलका उतर रहा है और टमाटर जो है वो अब हम आग से हटा लेंगे। अब जनाब सारी सब्ज़ी को आग से हटाने के बाद अच्छे से बैंगन का छिलका जो है वो आराम से उतार लेंगे और बैंगन को साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे बैंगन का छिलका उतार लेना है और अच्छे से अब मैं इनको ठंडे पानी से धो लूँगी और इनको पानी में अच्छे से छानने के बाद प्लेट में अलग से निकाल लिया है। इसी तरह से सब्ज़ मिर्चें, लहसुन सब चीज़ों को धोने के बाद प्लेट में अलग से रख लिया है ताकि जो हमने सब्ज़ी सेकी थी और सिकने के बाद जो छिलका था सब्ज़ियों का वो अच्छे से अलग हो जाए और हमारी सब्ज़ी धुल के अच्छे से साफ़ हो जाए। इसी तरह से टमाटर का छिलका भी उतार लेंगे और इसको पानी से धोने के बाद साइड पर रखते जाएंगे। टमाटर अच्छे से धुल चुके हैं और इनका छिलका जो है वो बड़े ही आराम से उतर गया है। अब हम इनको अच्छे से तैयार करेंगे, इनको अच्छे से पीस लेंगे सिल बट्टे में या फिर खुंडी में। अब मैंने दो प्याज लिए हैं, इनको मैं अच्छे से काट लूँगी बारीक बारीक। प्याज काटने के बाद मैंने एक पतीला आग पे चढ़ा लिया है और अब प्याज और ऑयल शामिल करके मैं इनको ब्राउन होने के लिए रखूंगी और जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है मैं जो लहसुन हमने सेका था उसको मैं अच्छे से लंगड़ी में खूंटी के साथ पीस लूंगी। हमने लहसुन डाल दिया है अब अपनी खूंटी में और अब हमने इसको दस्ते के साथ अच्छे से पीस लेना है। लहसुन पीसते हुए मैंने इसमें ज़रा सा नमक ऐड किया था और नमक डालते ही मेरा लहसुन बड़े आसानी से जो है वो उसकी पेस्ट बन गई थी। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ और इनको भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लेनी है और इसके साथ साथ देसी तरीके से लहसुन पीसते हुए मैंने अब इसके साथ सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इनको भी अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है और अब हम देसी तरीके से टमाटर भी इसमें डाल देंगे और टमाटर को भी इस तरह हवन दस्ते से
पेस्ट बना के जो है वो निकाल लेंगे एक प्लेट में बड़े अच्छे से, और माशाल्लाह से देसी स्टाइल से हमारे टमाटर जो है वो इतना अच्छा सिक चुका था और सॉफ्ट हो चुका था कि उसकी पेस्ट बड़े आसानी से बन गई है। अब प्याज हमारा ब्राउन होने को है, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो मैंने सब्ज़ मिर्चें और लहसुन की पेस्ट तैयार की थी वो इसमें डाल दी है और अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब एक से दो सेकेंड चम्मच चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस मैंने नॉर्मल जो हर घर में अवेलेबल होते हैं वो लिए हैं। इसमें सब्ज़ मिर्च, पिसी लाल मिर्च है, दादरी मिर्च है, हल्दी, ज़ीरा और नमक, पिसा धनिया। अब सारे मसाले डालने के बाद इसमें एक से दो सेकेंड के लिए चम्मच चलाएंगे और ज़रा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल अच्छे से पेस्ट फॉर्म में आ जाए और सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह से मसाला बड़े अच्छे से तैयार हो रहा है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं टमाटर की पेस्ट, ये मैंने टमाटर की पेस्ट जो मैंने हावन दस्ते में बनाई थी इसमें डाल दी है, और अच्छे से अब टमाटर को गलने के लिए मैं छोड़ूंगी एक से दो मिनट के लिए, इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी। अब हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल गल चुका है, मसाला तैयार है। इसमें हम बैंगन डाल देंगे जो हमने भरता किए थे, और बैंगन डाल के हम इसको तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे और पाँच मिनट इसको हम दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारा बैंगन का भरता टमाटर के साथ रच बस जाए और बड़े अच्छे से तैयार हो जाए। अब हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है और बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बड़ा ही लजीज तैयार हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई मैं सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी। अब मेरा भरता जो है वो तैयार हो गया है और मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल दिया, उसको मैं दो मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने से ज़्यादा अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।